स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय में अपन ने कृत प्रत्यय कर लिया था। कृत प्रत्यय में अपन ने जो कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, लव्य प्रत्यय और कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय और इसके अलावा अपन ने सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय ये सब और तुमुन प्रत्यय ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए आज का अपन देखेंगे तद्यत प्रत्यय, ठीक है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग तद्यत प्रत्यय अपने पास दो है, ठीक है। कौन कौन से तद्यत प्रत्यय में? तरप और तम। कौन कौन से हैं? तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि तद्यत प्रत्यय किसे कहते हैं। क्या कि तद्यत प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्यत प्रत्यय कहे जाते हैं। तद्यत प्रत्यय में तरप आदि प्रत्यय आते हैं। तरप, तम, ये सब किस में आते हैं? तद्यत प्रत्यय में। संस्कृत में विशेष विशेषण की तरह तीन अवस्थाएं मानी जाती है। संस्कृत में जो विशेषण है उसकी तरह तीन अवस्थाएं मानी जाती है। तो सबसे पहले हम इन तद्यत प्रत्यय पर जाने से पहले इनकी तीनों अवस्थाएं हैं इनको देखें। कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर वन साधारण अवस्था, नंबर टू तुलनात्मक अवस्था और नंबर तीन अतिशयावस्था, ठीक है। साधारण अवस्था, सबसे पहले साधारण अवस्था देखिए। साधारण अवस्था में विशेषण की स्थिति जैसे कि तैसी बनी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। साधारण स्थिति आपको याद रह जाएगी कि सेम स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तुलनात्मक अवस्था, दो की तुलना में एक की विशेषता बताने के लिए कि तुलनात्मक अवस्था है, इसमें वो प्रत्यय आएगा जिसमें दो की क्या कि दो की तुलना करने पर एक को श्रेष्ठ बताया जाए। भाई दो की तुलना में एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग है। भाई एक की अपन विशेषता बताएंगे तो जायज़ है कि उसको श्रेष्ठ बताया जाएगा, वहाँ पे तरप का तरप प्रत्यय होगा और तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तर। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग जो तद्यत प्रत्यय में अपने पास दो ही प्रत्यय हैं, तरप और तमप, ठीक है। तो साधारण अवस्था में पहले देख चुके अपन कि इसमें जैसे कि तैसे स्थिति बनी रहती है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी स्थिति देखिए, ये जो अभी अपन जो तरप प्रत्यय पढ़ रहे हैं ये दूसरी अवस्था में आएगा। तुलनात्मक कि दो की तुलना में एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें शेष क्या रहता है? तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तर, ठीक है। अब देखिए तरप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तरप प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे उसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अतिशयावस्था, बहुतों में से। नेक्स्ट आती है कि बहुतों में से एक की विशिष्टता बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। और तम प्रत्यय से बने शब्दों के रूप भी तरप प्रत्यय के समान तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। अभी अपन देखेंगे, देखो कि यहाँ पे तीनों अवस्था ले ली, साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, अतिशयावस्था। तो इसमें जो जो आपका शब्द है तो उसमें देखो यों की त्यों है, अल्प अल्प है, अल्प ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें तुलनात्मक अवस्था, तरप प्रत्यय लगाएंगे तो अल्प प्लस तरप अल्पतर, और तमप लगा देंगे तो तमप लगाने पे अल्प प्लस तमप अल्पतम, ऐसे ही लघु प्लस तर लघुतर, और लघु प्लस तमप लघुतम, पटु प्लस तर
पटूतर, पटु प्लस तमप पटूतम। समझ में आ गया? प्रिय शब्द लिया हमने, इसमें तरप प्रत्यय जोड़ा और इस तरप प्रत्यय तुलनात्मक अवस्था बताता है, ये ध्यान रखना आपको। तरप प्रत्यय तुलनात्मक और तमप प्रत्यय अतिशय अवस्था। अब देखिए मोटी पहचान ये है कि ये तरप प्रत्यय में दो में से किसी एक की तुलना की जाएगी, दो में से किसी एक की, जबकि तरप प्रत्यय है तरप प्रत्यय में दो में से एक की, और तमप प्रत्यय उसमें बहुत से बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, ठीक है। और इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे मूर्ख मूर्खतर मूर्खतम, चतुर चतुरतर और चतुरतम। भाई दो में से एक को बताएंगे तो चतुरतर, और बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो चतुरतम, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद अपने ये कुछ जो मैं अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें आप थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ये देख लेंगे कि कौन कौन से प्रत्यय अपने काम में आ रहे हैं और किस प्रकार से तोड़ा जाता है, प्रत्यय लगाकर नया शब्द आने पर अर्थ में परिवर्तन किस तरह हो रहा है। गम प्लस कत्वा गत्वा, वच प्लस कत्वतु सभी आएंगे, तो वच प्लस कत्वतु बताया था ना, त्वान इसमें वान लगाया जाता है, ठीक है। तो उक्तवान, मृ प्लस अन्यर मरणीय, सूचित प्लस कत्वतु सूचितवान, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, आग प्लस गम प्लस कत्वतु आगत्वान, गम प्लस कत्वतु गत्वान, गृह प्लस कत्वा गृहत्वा, प्रस्थित प्लस कत्वतु प्रस्थितवान, दृश प्लस कत्वा दृष्ट्वा, प्लस गम प्लस लप्य आगत्य। लप्य प्रत्यय में आपको पहले उपसर्ग मिलेगा, मोटी पहचान है। पतिते प्लस कत्वतु पतित्वान, जीव प्लस कत्वतु जीवितवान, श्रु प्लस कत्वतु श्रुतवान, मिल प्लस कत्वा मिलित्वा, कृ प्लस अनियर करणीय, प्रविश प्लस तुमुन प्रवेष्टुम, वी प्लस लुक प्लस लप्य विलोक्य, उपस्थित प्लस कत्वतु उपस्थितवती। इसमें देखिए स्त्रीलिंग है, उपस्थित में स्त्रीलिंग लगाया है तो उपस्थितवती। मेल प्लस तुम मेलितुम, प्रेरित प्लस कत्वतु स्त्रीलिंग है प्रेरितवती, आ प्लस यूज प्लस लप्य, फिर वही लप्य का उदाहरण है, उसमें देखो आ उपसर्ग आया पहले, ठीक है, आयुज है। आ प्लस गम प्लस कत्य आगत्य, समर्पित प्लस कत्वतु समर्पितवान, स्वी प्लस क्री प्लस लप्य स्वीकृत्य, संकल्प प्लस कत्वतु संकलितवान, ठीक है। इसके बाद देखिए दृश प्लस तुमुन दृष्टुम, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम, प्रय प्लस छाल प्लस लप्य प्रक्षाल्य, निवारण प्लस तुमुन निवारितुम, क्री प्लस तव्यत कर्तव्य, ज्ञा प्लस कत्वा ज्ञात्वा, तक्त प्लस कत्वतु तक्तवान, ज्ञा प्लस कत्वतु ज्ञातवान, प्राप प्लस कत्वतु प्राप्तवान, निर्माण प्लस तुमुन निर्मातुम, भू प्लस तुमुन भवितुम, लब्ध प्लस कत्वा लब्धवान, भू प्लस कत्वा भूत्वा, वी प्लस जी प्लस लप्य वही उपसर्ग पहले लप्य प्रत्यय में विजित्य, स्थापित प्लस कत्वतु स्थापितवान, दा प्लस कत्वा दत्वा, क्री प्लस कत्वतु कृतवान, और रच प्लस कत्वा रचित्वा। इसके बाद देखिए अपने ये अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, तो आप इनको, ज़्यादा कुछ नहीं दिया मैंने, सिर्फ 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको आप अपनी सफ नोटबुक में होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। तो सुंदर राइटिंग में अपनी सफ नोटबुक में होमवर्क करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि क्वेश्चन नंबर 1, कर्तव्यम पदे किम प्रत्यय अस्ति। कर्तव्यम तव्य तुमुन कत्वतु कत, कत में देखिए शेष से रहता है, तव तु इसमें कत्वतु में, तुम उनमें तुम शेष रहता है, तव्य किस में शेष रहता है, तव्यत प्रत्यय में, ठीक है।
नंबर टू आ प्लस, सॉरी मैं तो आंसर ही बता रही थी, आगत्य, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ, आ प्लस गम प्लस लप्य, ठीक है, रचित्वा, बताओ आप कोशिश करें एक बार सोच के, त्वा शेष किस में रहता है, कत्वा, गत्वा, गम प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय में, ठीक है, गत्वान, वान, वती किस में जोड़ते थे अपन, कत्वतु प्रत्यय में, श्रुतवान, कत्वतु वही है, करणीय, अन्य शेष रहता है, अन्य शेष रहता है अन्य प्रत्यय में, ठीक है, और उसके बाद मेली तुम पदे किम प्रत्यय अस्ति, ये इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर आप अपने ऐसे डाल के करेंगे, ठीक है, इसका इस तरह से उत्तर डाल लेंगे आप उत्तर, और फिर आप बताएंगे इसका, थोड़ा दिमाग पे प्रेस, मेली तुम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, इसके ऑप्शन नहीं दिए, ये आप अपनी सब नोटबुक में आठों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।